अगर दिन में किसी भी समय नींद आप पर धावा बोल रही है तो आप केवल 24 कौर खाना खाइए। आप देखेंगे कि आप सुबह 3:30 बजे उठ जाएंगे। हर कौर 24 बार चबाएं, आप देखेंगे कि खाना खाने से आलस नहीं होगा। इस तरह खाकर आप शायद कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हर बार जब आप ध्यान करने बैठते हैं और अगर आपको नींद आने लगती है तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये समझें कि ये क्या है। ज्यादातर लोग नहीं, दुनिया में बहुत से लोग अगर वे सोना चाहें तब भी वो सो नहीं सकते। हाँ, बहुत से लोग बिस्तर पर लेटते हैं और सोने की बहुत कोशिश करते हैं पर सो नहीं पाते। उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती है। धरती पर लाखों करोड़ों लोगों की यही हालत है। तो अगर दिन में किसी भी समय नींद आप पर धावा बोल रही है तो एक मुख्य बात यह है कि आप अपनी सेहत की बुनियादी जांच करें। ये देखें कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आप किसी खास शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं? आपने गौर किया है कि आप ठीक नहीं हैं? जब आप ठीक नहीं होते आप सामान्य से बहुत ज्यादा सोते हैं, है ना? क्योंकि शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दूसरे कामों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। शरीर आराम चाहता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है वो खाना जो आप खाते हैं। तो अगर आपको ये करना चाहिए, आम तौर पर जो लोग योग के मार्ग पर हैं उनके लिए आप जानते हैं क्या कहा जाता है, आपको सिर्फ 24 कौर ही खाने चाहिए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप गौर कर रहे हैं कि आपको दिन भर नींद आती है तो आप केवल 24 कौर खाएं, यानी 24 बार मुंह में कौर भरें। 24 क्यों, मैं अभी उस संख्या की बात नहीं करूंगा, पर उसके पीछे एक विज्ञान है। आप 24 कौर ही खाइए। मुंह भरने का मतलब ये नहीं है। So essentially, your alertness depends on how keenly you manage your energies. तो असल में आपकी सतर्कता इससे तय होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितने अच्छे से संभालते हैं। और अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। 15 मिनट शून्य ध्यान नहीं, अगर आप अपनी जीवन प्रक्रिया में ध्यानमय होना चाहते हैं तो ये सतर्कता केवल मन की सतर्कता नहीं, आपकी ऊर्जा की सतर्कता, आपकी ऊर्जा भी सतर्क हो। इसे सतर्क रखने के लिए ही आप साधना कर रहे हैं, तो इसकी मदद के लिए आप 24 कौर ही खाते हैं। रात के खाने से कोशिश करें या इसे कल से करना चाहते हैं? क्या हम इसी डिनर में कोशिश करें या फिर कल? अब अगर आप 24 कौर खाएं, सामान्य साइज के कौर, तो आप देखेंगे कि आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। हाँ, समय को देखने के भारतीय तरीके में निमिष नाम की एक चीज होती है जिसका संबंध 24 से है, इसलिए 24 कौर खाए जाते हैं। आप 24 कौर खाइए, पर उतने ही समय में जितने में कोई पूरा खाना खाता है। जो भी देखिए आश्रम में जो भी सबसे ज्यादा खाता है, बस उनकी थाली देखिए। जब तक वो ना उठें आपको भी वहीं बैठे रहना चाहिए। बस खाली बैठना नहीं, आपको चबाते रहना चाहिए। तो हर कौर को 24 बार चबाइए। 1, 2, 3, 4 24 बार चबाइए। अब आप देखेंगे कि आप किसी दूसरे से ज्यादा समय लेंगे, पर आपका खाना पेट में जाने से पहले मुंह में ही पच जाएगा। इससे सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप अपना भोजन पर्याप्त चबाते हैं तो आप देखेंगे कि ये
खाने से आलस नहीं पैदा होगा। अगर इसे मुंह में चबाया जाए तो आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। मैं क्या करूंगा सदगुरु? वही जो आपने पूछा, ध्यान कीजिए। तीन बजे 3:30 बजे आपको भूख लगेगी, नींद खुल जाएगी। एक ग्लास पानी पीकर बैठ जाइए। अगर आपको पानी पीकर भी नींद आए तो कोई बात नहीं, 5:30 बजने में अभी समय है, आप थोड़ा ऊँघ सकते हैं। या जब आप उठें, सबसे पहले आप शौचालय वगैरह का काम खत्म कर लीजिए, नहाकर अपने बालों को गीला छोड़ दीजिए। आप बिना सोए 8 बजे तक साधना के अंत तक जगते रहेंगे। और कल सुबह के भोजन में भी अगर आप 24 कौर खाते हैं तो आप डिनर के समय तक सोने वाले नहीं हैं। उसे अच्छे से चबाइए। अगर आप अच्छे से चबाते हैं तो पाचन प्रक्रिया 1.5-2 घंटे में पूरी हो जाएगी और आपको भूख लग जाएगी। और रहने का ये सही तरीका है। अगर पेट खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खाना ही है। आप बस पानी पीजिए और आप सतर्क रहेंगे, आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, आपका वजन कम नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम उस भोजन का इस्तेमाल करना सीख लेगा जिसे आपने अच्छे से खाया है, न कि उसे बर्बाद करेगा। ये आर्थिक और पर्यावरण दोनों रूप से दुनिया के लिए बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इस तरह खाते हैं तो शायद आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो 24 कौर भोजन को आपको 24 बार चबाना चाहिए, हर कौर को पूरी तरह, इससे पहले कि आप इसे निगलें। इसे पेस्ट जैसा हो जाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपको इसका बहुत फायदा होगा, आप ध्यान कर पाएंगे।